Today, my topic Mother and Child, Fine Arts Class 12th. Title Mother and Child, Artist, Jamini Roy, Medium, Tempera Watercolor, Period, Modern. Subject Matter This painting depicts a mother holding her child. विषय वस्तु इस पेंटिंग में एक माँ को अपने बच्चे को पकड़े हुए दिखाया गया है द सब्जेक्ट मैटर मैच इज टोटली विद टाइटल ऑफ द पेंटिंग विषय पूरी तरह से पेंटिंग के शीर्षक से मेल खाता है डिस्क्रिप्शन दिस इज अ वर्टिकल पेंटिंग बाय जैमिनी रॉय विवरण: यह जैमिनी रॉय द्वारा बनाई गई खड़ी पेंटिंग है मदर आई इज holding her son with her left hand on the left side on her waist. Face is cup shaped. एक माँ अपने बेटे को अपने बाएं हाथ से कमर पर बाएं हाथ से पकड़े हुए है चेहरा कप के आकार का होता है आईज आर एलोंगेटेड अस्टाइलाइज इंफ्लुएंस ऑफ द पला स्कूल ऑफ ईस्टर्न इंडिया आंखें लंबी हैं पूर्वी भारत के पाल स्कूल का एक शैलीगत प्रभाव है The child also has similar eyes with thick eyebrows. बच्चे की भी मोटी भौहों वाली समान आंखें होती है Mother's head eyes tilted towards the sun. The child is totally naked while the mother is wearing a sari. मां का सिर बेटे की ओर झुका हुआ है, जबकि मां ने साड़ी पहन रखी है. Border of sari is shown at different places. साड़ी का बॉर्डर अलग अलग जगहों पर दिखाया जाता है ऑन वन साइड वी कैन सी अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर बोथ मदर एंड चाइल्ड आर डेकोरेटेड विद ऑर्नमेंट एक तरफ हम पौधे जैसी संरचना देख सकते हैं माँ और बच्चे दोनों को गहनों से सजाया जाता है देर इज अ स्मॉल बर्न ऑन टॉप ऑफ द चाइल्ड कृष्णा रॉय के बाल कृष्ण की छवियों के समान बच्चे के सिर के ऊपर एक छोटा सा जुड़ा है द फोक मोटर्स इन द बैकग्राउंड कैप्चर द सिंप्लिसिटी ऑफ लोकल एंड रूरल लाइफ पृष्ठभूमि में लोक रूपांकन स्थानीय और ग्रामीण जीवन की सादगी को दर्शाता है दिस मदर इज अनमाइंडफुल ऑफ एवरीथिंग अदर दैन हर रोल एज अ मदर यह माँ बेकबर है एक माँ के रूप में उनकी भूमिका के अलावा सब कुछ सच पोर्ट्रेल हैज अ रूरल सिंप्लिसिटी वे कॉन्टेंटमेंट कम्स ईजी इस तरह के चित्रण में एक ग्रामीण सादगी है जहां संतोष आसानी से आ जाता है लाइन्स आर वेरी शार्प थिक एंड फुली एक्सप्रेसिव रेखाएं बहुत तीखी मोटी और पूरी तरह से अभिव्यंजक है द फिगर्स आर इन अ सिंगल फ्रंटल प्लेन इन सिंपल टू डिमेंशनल फॉर्म्स विथ फ्लैट कलर एप्लीकेशन एंड फोर्सफुल लाइन्स आकृतियां सरल व्यायामी रूपों में एकल ललाट तल में हैं, जिनमें सपाट रंग का अनुप्रयोग और बलशाली रेखाएं हैं द फ्लैट कलर्स ऑन द फ्लैट प्लेन्स रिमूव्ड ऑल अननेसेसरी ऑर्नमेंटेशन फ्रॉम हिज वर्क समतल विमानों पर सपाट रंगों ने उनके काम से सभी अनावश्यक अलंकरणों को हटा दिया है द बोल्ड लाइन्स डिफाइनिंग कर्व्स कम अव विद फेमिनिन ब्यूटी को परिभाषित करने वाली बोल्ड लाइनें उसके स्त्री सौंदर्य के साथ जीवंत हो उठती हैं द बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स एट द कॉन्टोर्स एस्टरिस्क ब्रिंग क्लैरिटी इन टू द कॉम्पोजिशन समोच्च एस्टरिस्क पर बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक रचना में स्पष्टता लाते हैं देर इज सेंसिटिव मोल्डिंग ऑफ द वॉल्यूम ऑफ फिगर्स विद टोनल ग्रेडेशन तानवाला उन्नयन के साथ आंकड़ों की मात्रा का एक संवेदनशील मोल्डिंग है The decorative motifs are from Kantha and Alpana of Bengal. सजावटी रूपांकन बंगाल के कांता और अल्पना से हैं overall ट्रीटमेंट शोज दी ऑफ कालीघाट पैट पेंटिंग्स समग्र उपचार कालीघाट पट चित्रों को दर्शाता है कलर स्कीम द आर्टिस्ट पैलेट इज लिमिट टू अ फ्यू अर्थी कलर्स मोस्टली ग्रीन रेड येलो ओकर ग्रे वर्मिलियन ब्लू लैम्प ब्लैक रंग योजना कलाकार का पैलेट कुछ मिट्टी के रंगों तक सीमित है ज्यादातर हरा लाल पीला गेरू ग्रे सिंदूर नीला लैंप ब्लैक द कलर बैंड्स ऑफ वेरिंग थिकनेस ब्रिंग डाउन द हार्शनेस ऑफ द ब्लैक लाइन द आर्टिस्ट हैज लिमिटेड हिमसेल्फ टू द बेसिक व्हाइट लाइन ड्रॉइंग फॉर जामिनी रॉय वॉज अ मॉडर्न आर्टिस्ट मोर देन एंटायरली डिफरेंट पार्थ ऑफ एक्सप्रेशन डीपली इंस्पायर्ड बाय ट्रेडिशन अलग अलग मोटाई के रंग बैंड काली रेखा की कठोरता को कम करते हैं कलाकार अभिव्यक्ति के पूरी तरह से अलग तरीके से अधिक परंपरा से गहराई से प्रेरित हिस्टाइल हैड ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन सक्सीडिंग पेंटर्स उनकी शैली में एक था सफल चित्रकारों पर जबरदस्त प्रभाव जामिनी रॉय 1887 एटी सेवन टू नाइनटीन वॉज ओनली सिक्सटीन वेन ही वॉज सेंट टू स्टडी एट द गवमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता जैमिनी रॉय अठारह सौ सत्तासी से उन्नीस सौ बहत्तर केवल सोलह वर्ष के थे जब उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट कोलकाता में पढ़ने के लिए भेजा गया था अबनिंद्रनाथ टगोर द फाउंडर ऑफ बेंगाल स्कूल वॉज वाइस प्रिंसिपल एट द इंस्टीट्यूशन बंगाल स्कूल के संस्थापक अवनिंद्रनाथ टैगोर संस्था में उप प्राचार्य थे रॉय बिगैन हिज करियर एज अ कमीशन पोर्ट्रेट पेंटर रॉय ने अपना करियर एक अधिकृत चित्रकार के रूप में शुरू किया इनिशियली ही केम अप विद सम एक्सिलेंट पेंटिंग्स ऑफ द वेस्टर्न जॉनर ऑफ लैंडस्केप्स एंड पोर्ट्रेट्स प्रारंभ में वह परिदृश्य और चित्रों की पश्चिमी शैली के कुछ उत्कृष्ट चित्रों के साथ आए हाउएवर ही सून रियलाइज दैट ही नीडेड टू ड्रॉ इंस्पिरेशन नॉट फ्रॉम वेस्टर्न ट्रेडिशंस बट फ्रॉम हिज ओन कल्चर एंड सो ही लुक टू द लिविंग फोक एंड ट्राइबल आर्ट फॉर इंस्पिरेशन हालांकि उन्होंने जल्द ही महसूस किया कि उन्हें पश्चिमी परम्पराओं से नहीं बल्कि अपनी संस्कृति से प्रेरणा लेने की जरूरत है और इसलिए उन्होंने प्रेरणा के लिए जीवित लोक और जनजातीय कला को देखा By the early 1930s, Roy made a एस रॉय मेड अ materials स्विच टू on woven टू पेंट ऑन wood coated क्लॉथ एंड वुड कोटेड लाइन उन्नीस सौ तीस के दशक की शुरुआत में रॉय ने बुने हुए चटाइयों कपड़े और चूने से लेपित लकड़ी पर पेंट करने के लिए पूरी तरह से स्वदेशी सामग्रियों पर स्विच किया ही वॉज मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द कालीघाट पैट कालीघाट पेंटिंग अ स्टाइल ऑफ आर्ट विथ बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक्स वह कालीघाट पट कालीघाट पेंटिंग से सबसे अधिक प्रभावित थे कला की एक ऐसी शैली जिसमें बोल्ड स्वीपिंग ब्रश स्ट्रोक थे ही एक्चुअली वेंट टू लर्न फ्रॉम विलेज पाटुआस एंड प्रेफर्ड हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड अ पाटुआ वह वास्तव में गांव के पटुआओं से सीखने गया था और खुद को पटुआ कहलाना पसंद करता था Felt continuous urge to make art accessible to a फेल्ट section of टू मेक आर्ट एक्सेसिबल टू अ वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल एंड टू कैप्चर people. Of of people. जैमिनी ने कला को लोगों के व्यापक वर्ग तक पहुंचाने और लोक लोगों के जीवन की सादगी के सार को पकड़ने के लिए निरंतर आग्रह महसूस किया दैट वॉज इज आइडिया ऑफ गिविंग इंडियन आर्ट इट्स ओन आइडेंटिटी भारतीय कला को अपनी अलग पहचान देने का उनका यही विचार था he received innumerable recognitions nationwide and internationally. उन्हें देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनगिनत पहचान मिली He was awarded the Padma Bhushan in 1955। उन्हें उन्नीस सौ पचपन में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था वर्क्स पार्वती एंड गणेश थ्री विमेन क्राइस्ट पार्वती और गणेश तीन नारिया क्राइस्ट Thanks for watching this video.